नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि वीज़ा टाइप ऑफ वीज़ा यानी वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे लोग 3, 4, 5 वीज़ा कैटेगरी मानते हैं कि शायद ये वीज़ा है, ज़्यादातर विजिट वीज़ा, परमिट वीज़ा, बस इंपॉर्टेंट ये है, जबकि तीसरा मान लेते हैं बिजनेस वीज़ा। जबकि साथियों, मैंने एक कैलकुलेशन लगाया है, काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला है कि अगर आप वीज़ा की बात करें तो वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं, किस कैटेगरी वाइज कौन से वीज़ा में आपको जाना चाहिए या कौन से लोग किस वीज़ा के हिसाब से जाते हैं। तो साथियों, 13 वीज़ा निकल के आए हैं। ठीक है, 13 वीज़ा यानी 13 टाइप की इसमें कैटेगरी होती है। इस कैटेगरी का हर वीज़ा की अलग वैल्यू होती है, अलग प्राइस होती है, अलग वैलिडिटी होती है। ठीक है, वो कैटेगरी वाइज अपने को डिसीजन करना होता है कि इस कौन से काम में जा रहे हैं अपन। ठीक है, जिस काम में जा रहे हैं उसी कैटेगरी का वीज़ा मिलता है। सब कंट्रियों पर ये चीज़ लागू होती है। तो मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको, मैंने 13 वीज़ा के नाम लिखे हैं, कौन सा वीज़ा किस काम से रिलेटेड है ये मैं आज बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात बताएंगे कौन सा वीज़ा की वैलिडिटी क्या होती है, कितना प्राइस लगता है, कौन सा वीज़ा किस तरह से आप ले सकते हो इस वीज़ा से, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले रिक्वेस्ट ये करूँगा साथियों, वीडियो पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उसको आप दबा लीजिए, ताकि जो भी नए नोटिफिकेशन जैसे मैं वीडियो डालूं तो आपके पास पहले पहुंचते हैं, तो जिससे आपको सही जानकारी, सही मोटिवेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं 13 वीज़ा में। सबसे पहले वीज़ा साथियों, टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा का मतलब होता है आप घूमने के लिए जा रहे हो, वो वीज़ा होता है, उसको शॉर्ट में बोलते हैं टीवी वीज़ा। ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल। दूसरा वीज़ा ये होता है जैसे आप आपको जल्दी है, या कुछ कंट्री ऐसी होती हैं जो ऑन अराइवल है, एयरपोर्ट पे आपको वीज़ा मिल जाता है जो फ्री होता है, उनके पैसे नहीं लगते, वो उसको बोलते हैं ऑन अराइवल, यानी आप बिना वीज़ा चले, बिना सिर्फ पासपोर्ट लेके जाओ, आगे आपको वीज़ा मिल जाएगा तुरंत प्रभाव से। तीसरा वीज़ा साथी होता है बिजनेस वीज़ा। जी हाँ, बिजनेस वीज़ा बिजनेस से रिलेटेड होता है। अगर आपको किसी कंट्री के साथ, किसी कंपनी के साथ टाई अप करके बिजनेस करना है तो आप इस वीज़ा से, इस वीज़ा के थ्रू ही आपका काम होगा, बिजनेस वीज़ा से रिलेटेड होगा, शॉर्ट में होता है बीवी इसका नाम। ठीक है साथियों, स्टूडेंट। चौथा वीज़ा होता है स्टूडेंट वीज़ा। अगर आपको अदर कंट्री में एजुकेशन के लिए जाना है, हाई स्किल्ड आप मतलब एजुकेशन लेना चाहते हो अच्छी पढ़ाई के लिए, तो आपको स्टूडेंट वीज़ा लेना होता है इसके लिए, उसको बोलते हैं STV वीज़ा। ठीक है साथियों, 5 नंबर का वीज़ा होता है ट्रांजिस्ट वीज़ा। ट्रांजिस्ट वीज़ा क्या होता है साथियों, मैं बता दूं कि मान लीजिए कि आप एक कंट्री पहुंच रहे हैं, दूसरी कंट्री आपको जाना है, या इसको आपको चेंजिंग करना है। ट्रांजिस्ट का मतलब होता है चेंज करना। ठीक है, इसको मान लीजिए शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जैसे आप जर्मनी गए, वहाँ से आपको फ्लाइट चेंज करनी है, तो इसको ट्रांजिस्ट वीज़ा अलग से वहाँ से आपको लेना होता है, जो एकदम शॉर्टली मतलब 72 घंटे का ये वीज़ा मिलता है, 15 दिन का भी कई बार मिल जाता है, वैलिडिटी इसकी होती है। इसको अगर किसी चीज़ को आप बदलना चाह रहे हो इस वीज़ा से रिलेटेड, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिस्ट वीज़ा। ठीक है साथियों, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको दुनिया को पता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आप जैसे यहाँ से जॉब के लिए जा रहे हो, तो वो आपको जैसे 2 साल का 3 साल का वीज़ा यहाँ से लग के जा रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है जॉब के रिलेटेड। ठीक है साथियों, 7 नंबर का वीज़ा होता है साथियों जर्नलिस्ट वीज़ा। यानी जर्नलिस्ट मतलब समझ के पत्रकारी से रिलेटेड ये वीज़ा होता है। किसी देश में आपको जाना है तो ये वीज़ा पत्रकारी से, अगर पत्रकारिता से रिलेटेड आपको, जर्नलिस्ट से रिलेटेड आपको जाना है तो ये वीज़ा आपको लेना पड़ेगा। इसके लिए इसका नाम है JV। ठीक है साथियों, 8 नंबर का वीज़ा होता है साथियों इंट्री वीज़ा। ठीक है, इंट्री वीज़ा किसी देश को आप में मान लीजिए इंट्री आपको करनी है किसी देश के लिए, तो इंट्री वीज़ा का मतलब होता है सिर्फ ये वीज़ा आप वहाँ पहुँच सकते हो, उसके बाद आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो आप पे डिपेंड करना है, इसको बोलते हैं इंट्री वीज़ा। ठीक है, 9 नंबर का वीज़ा साथियों कॉन्फ्रेंस वीज़ा। कॉन्फ्रेंस का मतलब समझ गए आपको, जैसे किसी, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार उस फलानी बड़ा जो, ये होता है वो लोगों के लिए जो हाई मतलब बड़े बिजनेसमैन होते हैं या बड़े बड़े पदों पे होते हैं, उनको कॉन्फ्रेंस के लिए जाना होता है अदर कंट्रियों में, उनको लिए जैसे मीटिंग में भाग लेना, इसको बोल सकते हैं, तो इसके लिए कॉन्फ्रेंस वीज़ा लेना पड़ेगा, इसको बोलते हैं शॉर्ट में CV। ठीक है साथियों, 10 नंबर का वीज़ा होता है साथियों मेडिकल वीज़ा, जिसको MV बोलते हैं। मेडिकल वीज़ा का मतलब ये होता है कि मेडिकल से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड आप किसी कंट्री में जा रहे हो, जैसे ऑपरेशन करवाना है या फिर अपनी बीमारी का इलाज करवाना है, तो ये वीज़ा आपको मेडिकल वीज़ा जिसको बोलते हैं, ये वीज़ा आपको लेना होगा। 11 नंबर का वीज़ा आता है साथियों मेडिकल अटेंडमेंट वीज़ा। मेडिकल अटेंडमेंट का मतलब होता है कि मेडिकल से रिलेटेड आपको कोई भी अदर कंट्री में कोई जाना है अपने पर्सनल काम से, तो ये वीज़ा आपको मेडिकल अटेंडमेंट के रिलेटेड आपको ये वीज़ा लेना पड़ेगा। ठीक है साथियों, वीज़ा रिसर्च अटेंडमेंट वीज़ा, यानी रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारे, जैसे साइंस पे रिसर्च हो गया, एग्रीकल्चर पे रिसर्च हो गया, बहुत सारे जो रिसर्च से रिलेटेड होते हैं, जो विज्ञान से रिलेटेड मान लीजिए किसी चीज़ की आपको वहाँ पे इंक्वायरी करके उस चीज़ को रिसर्च बोलते हैं, जिस चीज़ की आपको जानकारी जुटाना, खोजबीन करना,
उसका अगर आपको उससे रिलेटेड जा रहे हो तो आपको रिसर्च अटेंडमेंट वीज़ा आपको इसमें लेना पड़ेगा। इसको बोलते हैं MXV शॉर्ट तरीके से। 13 नंबर का लास्ट एंड वीज़ा होता है साथियों, वीज़ा फॉर स्टडी ऑफ योगा म्यूजिक क्लास, यानी इस तरह से जो 13 नंबर का वीज़ा है योगा से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड या फिर और कोई भी इस जो योगा संबंधित होते हैं ना, जैसे कई बार जाते हैं योगा सिखाने के लिए दूसरे देशों में म्यूजिक क्लास के लिए, वहाँ से सीखने के लिए जाते हैं या वहाँ पे ट्रेंड करने के लिए या वहाँ से आप सीख के आते हैं डिप्लोमा वगैरह, वो जो भी होता है म्यूजिक से रिलेटेड, ये वीज़ा 13 नंबर का इससे रिलेटेड आता है। तो साथियों 13 तरह के वीज़ा थे, हालांकि बहुत कम लोगों को 2-3 वीज़ा ही ज़रूरत पड़ती है, बाकी ये वीज़ा की इनकी इंक्वायरी नहीं पड़ती, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये वीजा उन लोगों के लिए काम का है जो अपने क्षेत्र के हिसाब से वहां जाना चाहते हैं, तो उनको उस कैटेगरी का वीजा लेना पड़ेगा साथियों। तो मैंने शॉर्टली तरीके से आपको बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में अपन और भी बात करेंगे इस वीजा के प्राइस क्या है, कितने दिन का वीजा होता है, किस कंडीशन पे ये वीजा अपने को मिलता है साथियों। तो आई होप मैंने पूरी आपको इंक्वायरी दे दी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, जिससे सही जानकारी सही मोटिवेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, वंदे।